ड्यूडिनम जेजुनम इलियम सीकम कोलन रेक्टम, याद हुआ? तो अब आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम बताइए मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। ओके स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो बकल कैविटी से स्टार्ट करो, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ड्यूडिनम जेजुनम इलियम सीकम कोलन रेक्टम और लास्ट में एनस। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ओके एलिमेंट्री कैनाल का फिगर। अब एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, थ्री टाइप्स के ग्लैंड हैं। स्टमक में ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो HCL निकाल रहा होता है। लीवर कहाँ पे लगा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक ग्लैंड यहाँ पे है जिसका नाम होता है पेंक्रियाज। क्या नाम होता है? पेंक्रियाज, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अच्छा, पेंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब यहाँ एंजाइम भी बनते हैं और हार्मोन भी बनते हैं। आपको बताया जाएगा जब अकेले पेंक्रियाज पे वीडियो बनेगा कि ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज में बनते हैं। इसके अलावा एंजाइम भी बनते हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, माइलेज, एमाइलेज, सभी एंजाइम यहाँ पे बनते हैं। इसी पेंक्रियाज की वजह से इस ड्यूरिनम पोर्शन में, ध्यान देना, यहाँ देखिए आप, इस ड्यूरिनम पोर्शन में मेन डाइजेशन होता है और इलियम पोर्शन में मेन एब्जॉर्वेशन का काम होता है। तो देखिए, मेन डाइजेशन ड्यूरिनम में, मेन एब्जॉर्वेशन इलियम पोर्शन में। एक अपेंडिक्स है, ध्यान देना, जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलता है उस भाग को हम सीकम बोलते हैं, आपको तो पता है। लेकिन यहाँ 9 सेंटीमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। देखिए, आपने फिगर में भी यहाँ भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्रीमी रूप परिशेषिका इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, अब नहीं करता है। और जो हॉर्बीवोरस है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो कैटल वगैरह होते हैं, वो जब घास खाते हैं तो उनके अंदर का अपेंडिक्स एक्टिव है, वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाता है। लेकिन इन ह्यूमन बींग्स, आदमी में, ये डीएक्टिव हो चुका है, इसने अपना काम करना बंद कर दिया है, अब ये काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिव हो चुका है, पहले ये काम करता था, अब नहीं काम करता है। तो क्या होना चाहिए? अब सेलुलोज को हम पचा नहीं पाते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ये अपेंडिक्स देखिए यहाँ पे, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा था, 9 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, ये अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये कभी कभी इसका ऑपरेशन होता है, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, अपेंडिक्टोटॉमी, ठीक है ना, बहुत पेन होता है तो डॉक्टर्स को ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके निकलने के बाद भी डाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि इस डाइजेशन में इसका कोई रोल ही नहीं।